अवश्य सब देख लेते हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि विवाह के बंधन में उलझेंगे तो बस उसी में उलझ कर रह जाएंगे, सारी स्वतंत्रता मिट जाएगी। आप स्वयं ही सोचिए प्रभु, भ्राता कार्तिकी के विवाह के पश्चात आप उनसे कितनी बार मिले हैं। पहले वो आप सबके साथ कितना समय बिताते थे, परंतु जब से उनकी शादी हुई है तब से सब बदल गया। मूषक जी, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे विवाह एक दुर्घटना है, पर माँ का तो कहना है कि विवाह एक शुभ घटना है जो समय आने पर सबके जीवन में आती है। जीवन में सुखद और सुंदर यात्रा का आरंभ है विवाह। आपको स्मरण नहीं है क्या, मैंने कितने प्रयास किए थे, तब जाकर विवाह को लेकर भैया कार्तिकेय के सभी संशय मिटे थे और वो विवाह के लिए तैयार हुए थे। उनकी बात और थी, आपकी बात और है। उनके जीवन को स्थिरता की आवश्यकता थी, पर आप पर तो पहले से ही इतने सारे उत्तरदायित्व हैं। संसार में कहीं भी कभी भी कोई विपदा छाती है तो सभी आपको ही याद करते हैं। फिर आप दुखियों के कष्ट मिटाने जाएंगे या विवाह बंधन में बंध कर बैठे रहने पर विवश हो जाएंगे, जैसे यहाँ प्रभु महादेव हैं और वहाँ दक्षिण में भैया कार्तिकेय। आपकी बात मानता हूँ, विवाह सुखद भी है सुंदर भी, पर अभी आपके लिए उसका उचित समय नहीं आया है प्रभु। अभी अभी तो आपने यौवन के प्रथम चरण में प्रवेश किया है। ये तो सोचने वाली बात है मूषक जी, तो क्या मैं एक बार विवाह के बंधन में बंध गया फिर मैं जगत कल्याण के कार्य नहीं कर पाऊंगा। परंतु भ्राता कार्तिकेय तो। भ्राता कार्तिकेय की बात अलग है प्रभु, वो आपसे बहुत बड़े हैं, जबकि आप अभी इतने छोटे हैं, फिर पत्नी की जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएंगे। आप उचित कह रहे हैं मूषक जी, परंतु विवाह कोई बुरी घटना नहीं है, किंतु मैं इस उत्तरदायित्व के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो फिर ये विवाह रुकवा दे। किंतु माँ ने ठान ली है तो उन्हें रोकने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। उपाय की चिंता छोड़िए प्रभु, वो मैं सोच चुका हूँ, सब कुछ आपसे ही सीखा है प्रभु। समाधान पहले सोचता हूँ, समस्या बाद में बताता हूँ। अच्छा तो बताइए क्या है योजना। ध्यान से सोचने पर जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर भी प्रश्नों में ही छिपे मिल जाते हैं। मूषक जी, नहीं बताना है तो मत बताइए, ऐसे पहेलियाँ बुझाने का कोई लाभ नहीं। ओहो प्रभु, थोड़ा तो धैर्य रखिए। अच्छा ये बताइए, माता ने क्या कहा था। विश्वकर्मा जी आएंगे, उनकी सहमति होगी तब होगा विवाह, और यदि वो सहमत नहीं हुए तो। क्यों नहीं होंगे सहमत, मैं क्या इतना बुरा हूँ। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, बस आपको योजना बता रहा हूँ। कुछ ऐसा करना होगा जिससे विश्वकर्मा जी आपको देखें और मना कर दें। बस यही एक उपाय है विवाह टालने का और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का। पर ये कैसे होगा मूषक जी, मैं प्रथम पूज्य देवता हूँ, सभी देवता मेरे नाम भर से सहमत हो जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा। वो आप अपने सेवक पर छोड़ दीजिए, योजना का प्रथम चरण है उन्हें मार्ग में ही रोक देना। दूर नहीं है वो, पर मैं भी तैयार हूँ। पिताश्री, आप हमें कैलाश तो ले जा रहे हैं, परंतु मैंने सुना है वहाँ सांप बिच्छू भूत प्रेत सब रहते हैं। हाँ पिताश्री, ये तो मैंने भी सुना है, फिर भी कैलाश का स्थान देवलोक से ऊपर क्यों है। देवलोक में शांति है, किंतु कैलाश में अनेकता में एकता है। नंदी हो या सिंह सोम नंदी, मयूर हो या वासुकी नाग या फिर मूषक, सभी में एकता है। संसार जिनका परित्याग करता है, कैलाश उन्हें बिना भेदभाव के प्रेम भाव से सहर्ष अपनाता है। इसीलिए कैलाश का स्थान देवलोक स्वर्ग से भी कहीं ऊपर है। पुत्री, यदि तुम्हारा विवाह यहाँ हो जाता है तो ये तुम्हारा परम सौभाग्य होगा। किसी और का सौभाग्य मेरे प्रभु का दुर्भाग्य नहीं बनने दे सकता, मैं ये विवाह तुम्हें रोक कर ही रहूँगा।
मेरी युक्ति का कोई उत्तर नहीं होगा उनके पास। सब कुछ ठीक हुआ तो विश्वकर्मा जी यहीं से उल्टे पांव लौट जाएंगे। पर हमें करना क्या है? वो यहाँ से जाएंगे तो मैं अपने शब्दों से उनके मन में संदेह की अग्नि जलाऊंगा। एक बार चिंगारी भड़क गई तो आपको आकर बस उसमें घृत डालने का कार्य करना है। वेदों और पुराणों में अनंत ज्ञान छिपा है, वो सब मुझे कंठस्थ है, किंतु आपकी बात आप ही समझिए महाज्ञानी मूषक जी। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरी योजना के प्रति मेरे ही मन में संदेह उत्पन्न करवा रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि मैं जो भी कहूँगा आपको अपने व्यवहार से उसका प्रमाण देना है। बस ये समझिए कि आपको करना क्या है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, तो ये आकर्षण क्यों हो रहा है? प्रभु, समझ रहा हूँ मूषक जी। तो बताइए क्या करेंगे आप? प्रभु, आप ठीक से समझे कि नहीं? आपका ध्यान कहाँ है प्रभु? नहीं नहीं, विवाह के प्रति ये आकर्षण ठीक नहीं। मुझे तो बस मूषक जी की योजना में रुचि रखनी चाहिए। वो यहाँ पहुँच गए मूषक जी। बस तो अब योजना पर अमल करना है। जो मैं कहता जाऊँ वो आप प्रमाणित करते जाइएगा। शिल्पी विश्वकर्मा जी, किंतु यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? मूषक जी, बड़े ही शुभ विचार से आया हूँ। आपके प्रभु श्री गणेश जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। अपनी पुत्री विवाह? तब तो गणेश जी को लेकर आपके मन में ढेर सारे प्रश्न भी होंगे, किंतु चिंता मत कीजिए, मैं उनका केवल वाहन और सेवक ही नहीं मित्र भी हूँ। वो मेरे बिना कहीं भी नहीं जाते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि गणेश जी तक कोई बात पहुंचानी हो तो बस आपको बता देनी चाहिए। आप ही तो उनके सबसे अधिक निकट हैं। हाँ हाँ, आत्मा का संबंध है हमारा, उन्हें लेकर मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। प्रथम पूज्य है वो पार्वती नंदन है। सब उन्हें गजानन, गणपति एवं विघ्नहर्ता के रूप में भी जानते हैं। पर जो मैं जानता हूँ वो तो मात्र मैं ही बता सकता हूँ। अच्छा, तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए मूषक जी कि आप यहाँ क्यों हैं? ओह, वो गणेश जी के भोजन का समय है ना, तो वहाँ उस पहाड़ी पर दुर्लभ फल है, वो लेने जा रहा हूँ। कैलाश से अधिक दुर्लभ और स्वादिष्ट फल और कहाँ मिलते हैं? वही तो, उनकी सरलता में भी कठिनाई है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ ना, अब देखिए दुर्लभ फल के बिना वो भोजन नहीं करेंगे। मैं तो सेवक ठहरा जाऊंगा भी और फल लाऊंगा भी, पर ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ना सबके वश में थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, भोजन उन्हें कितना पसंद है ये बात तो सभी जानते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, भोजन पसंद है तभी तो इतना बड़ा पेट है, और फिर जब भूख लगती है तो जो पसंद है वही व्यंजन उनके सामने होना चाहिए, अन्यथा। अच्छा, इतने हटी हैं वो? नहीं नहीं,
हठी कहाँ कहाँ मैंने, वो माता पार्वती के लाडले है ना, उनके मुंह पर कोई भी बात आए उसके पहले ही माता उनकी मांग को पूरी कर देती है। अब मान लीजिए उनका बड़ा लड्डू खाने का मन है और कोई छोटा लड्डू सामने रख दे तो क्रोध तो आएगा ही ना। क्रोधी भी है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किंतु है तो महादेव के पुत्र ही ना, संसार जानता है महादेव भोले भंडारी है, तो उनका क्रोध भी संसार में किसी से नहीं छुपा। महादेव ने तो क्रोध में अपने पुत्र का ही शीश काट दिया था, पुत्र में पिता की छवि होना तो स्वाभाविक है ना। मूषक जी आप कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। मन के पुराने घाव कभी भी हरे हो सकते हैं, और इनके घाव तो मन में ही नहीं इनके शीश पर भी हैं। अब किसी के साथ बचपन में ही ऐसी घटना घटी हो तो वो कभी ना कभी तो बावलेपन में दिखाई देगी ही ना। बावलापन वो भी होता है उनके साथ? नहीं नहीं बुद्धि विधाता बावले कैसे हो सकते हैं? हाँ ये बात है, बुद्धि अधिक हो तो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, ना किसी की कुछ सुनते हैं। मूषक जी मेरी बुराई कर रहे हैं या प्रशंसा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या वो अहंकारी भी हैं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अहंकार तो उन्हें छूकर भी नहीं गया है। अब बताइए कोई इतना गुणवान हो, उसका आकार उसका शरीर बड़ा हो, उसके बगल से कोई निकले भले ही वो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ही क्यों ना हो, और वो न देखे न अभिवादन करे तो इसे अहंकार थोड़ी कहेंगे। अब इसका प्रमाण मैं क्या दूँ आपको? प्रमाण तो आचरण से ही मिलेगा, वही तो है प्रमाण, वो तो तभी मिलेगा जब गणेश जी स्वयं यहाँ आए और आप सभी को अनदेखा कर यहाँ से निकल जाएं। जो मैं कहता जाऊं वो आप प्रमाणित करते जाइएगा। ओ समझा, ये उनके प्रति मेरे निरादर प्रदर्शित करने का संकेत है। अब मुझे उनके सामने से ऐसे निकलना है जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। आचरण से ही मिलेगा जब गणेश जी स्वयं यहाँ आए और आप सभी को अनदेखा कर यहाँ से निकल जाए। ऐसे ही बढ़ते रहिए प्रभु, जाइए जाइए। प्रणाम। कल्याण हो। प्रभु इतनी छोटी सी बात नहीं रख सके, मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। आइए पधारिए देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, कैलाश में आपका स्वागत है। अच्छाई का नहीं बुराई का प्रमाण देना था आपको। ध्यान रखिए कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप ही ध्यान रखिए प्रभु, हो जाइए तैयार अपने विवाह के लिए।
लगता है आपकी भेंट तो पुत्र गणेश से मार्ग में ही हो गई। हाँ माहेश्वरी, जो हुआ आपके संदेशानुसार ही हुआ। यदि आपका संदेश ना मिलता तो संभवतः हम उल्टे पांव लौट जाते। संदेश? कैसा संदेश माँ? माँ तो माँ ही होती है, अपने पुत्र के प्रत्येक विचार को भाप लेती है, और पुत्र के विचार समझने हो तो माँ को उसके मित्र के विचार भी तो समझने पड़ते हैं। मेरी ओर मत देखिए, सारी योजना मेरी ही थी। आइए भीतर पधारिए। मेरा अर्थ है, सब समझता हूँ मैं, आप मुझसे नहीं छिपा सकते। किंतु आपकी योजना तो पहले ही व्यर्थ हो गई, अब ये विवाह नहीं टल सकता। विचलित मत होइए प्रभु, जो भी होगा उसमें मूषक आपका साथ देगा। किंतु प्रभु, मोहित होने के पहले, विवाह करने के पहले कन्या को परखिए तो सही। ये तो जानिए दोनों में से आपका विवाह किसके साथ होने वाला है। हाँ ये तो सही है, विवाह से पहले कन्या को जानना तो आवश्यक है। ध्यान रहे, अतिथियों के सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जया, अतिथि को मिष्ठान दो। माँ, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पुत्र बोलो, क्या बात है? विवाह की बात तो मैं मान रहा हूँ, किंतु मुझे कन्या को और कन्या को मुझे जानना भी तो आवश्यक है। कैलाश बड़ा अद्भुत स्थान है, जहाँ शत्रु भी प्रेम से रहते हैं। जो कन्या योग्य होगी वही तो इसे संभाल सकेगी। तुम वास्तव में बड़े हो गए हो गणेश, विवाह करने योग्य हो ही गए। तुमने जो भी कहा उचित है, जो भी प्रश्न पूछकर तुम परखना चाहते हो उसकी अनुमति है पुत्र। और मेरा ये मानना है कि विश्वकर्मा जी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। किंतु माँ, मैं परखूं किसे? बाहर तो दो कन्याएं हैं, मेरा विवाह उनमें से किससे होगा ये तो मुझे पता ही नहीं। ये तो विश्वकर्मा जी ने मुझे भी नहीं बताया। किंतु पुत्र, ये उनसे अधिक तुम पर निर्भर करता है। प्रश्न तो तुम्हें दोनों से ही पूछने होंगे। हाँ माँ, ये तो उचित सुझाव है, ऐसा ही करूँगा। प्रभु, विवाह टालने का इससे सुनहरे अवसर नहीं मिलने वाला। आप ऐसी परीक्षा लीजिए कि दोनों ही विफल हो जाएं, फिर विवाह का संकट अपने आप टूट जाएगा। हाँ मैं ऐसी कठिन परीक्षा लूंगा जिसका उत्तर देना सरल नहीं होगा। प्रभु, आपके ज्ञान के आगे बड़े से बड़े ज्ञानी घुटने टेक देते हैं। आज आपको अवसर मिला है अपने ज्ञान के भंडार का परिचय देने का। उचित है मूषक जी। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता पार्वती नंदन। आप दोनों का कल्याण हो। पता नहीं प्रभु किस अनुभूति में खो गए हैं, अब मुझे ही स्थिति को संभालना होगा। पूछो गणेश, अपने प्रश्न पूछो। क्या क्या माँ?
तुम रिद्धि सिद्धि की परीक्षा लेने आए हो, भूल गए क्या? नहीं माँ, कठिन प्रश्न पूछने से पहले उसे सरल बनाने पर विचार कर रहा था। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए, चतुर 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 ज्ञानी, किंतु एक शर्त पर। शर्त? आसन के लिए कैसी शर्त है गणेश जी? मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आंच ना आए, ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। वाह प्रभु, उलझा दिया आपने अपनी बुद्धि के जाल में। ऊंचा आसन, वो भी जगत माता और जगत पिता के सामने बिना उनका निरादर किए। इस प्रश्न के विघ्न को विघ्नहर्ता ही हर सकते हैं, इसलिए देवियों मेरा सुझाव है प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम ले लीजिए, संभव है ये विघ्न अभी टल जाए। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आंच ना आए, ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है। परीक्षा का अंतिम प्रश्न बनने वाला है, यदि इस आसन का चुनाव किया तो। कहीं इन्हें कोई उपाय तो नहीं सोच गया? गणेश जी ने तो सबसे ऊंचे स्थान पर आसन लेने को कहा था। सर्व तीर्थ मई माता, सर्व देव मय पिता, अर्थात माता के चरण सभी तीर्थों के समान हैं और पिता के चरण सभी देव तुल्य। इसीलिए इनके चरणों से ऊंचा स्थान और कोई हो ही नहीं सकता। इनके चरणों में बैठकर हम किसी भी बड़े का अनादर नहीं कर रहे, और जहां हम बैठी हैं वही जीवन का, ऊर्जा का और ज्ञान का स्रोत है। इसीलिए हम अभी किसी भी प्रकार के परीक्षा के लिए तैयार है गणेश जी। हमारा निवेदन है
कि आप हमारी परीक्षा आरंभ कीजिए। परीक्षा का प्रथम चरण तो पूरा भी हो चुका। व्यावहारिक ज्ञान में आपने अपनी कुशलता प्रमाणित कर दी। प्रभु, आपके प्रश्न के समान इनका ज्ञान भी बढ़ा है। आपको प्रश्नों की कठिनाई का स्तर बढ़ाना होगा। अब मैं आपके सामान्य ज्ञान की परीक्षा हेतु एक प्रश्न पूछूंगा। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु हैं पर निपट पाप की खान। बगुला, हाँ बगुला, बगुला भक्ति तो किसी की आंखों से छिपी नहीं। वो श्वेत है, जल में ऐसे मगन होकर खड़ा रहता है जैसे कोई साधु प्रभु का ध्यान कर रहा हो, किंतु मीन को देखते ही उस पर घात कर देता है। एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। चक्की के दो पार्ट भिन्न होते हुए भी एक साथ रहते हैं। उनमें से नीचे वाला स्थिर रहता है, किंतु जो ऊपर होता है वो घूमते रहता है। दोनों देवियों ने एक एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। ये दोनों बराबरी पर हैं, इसलिए प्रभु कृपया अब इनसे कोई जटिल प्रश्न पूछिए। अगले चरण में मेरे प्रश्न अनेक होंगे, किंतु उन सभी का उत्तर एक ही होगा। पहला प्रश्न, पर ब्रह्म से बड़ा क्या है? दूसरा प्रश्न, पाप से बुरा क्या है? तीसरा प्रश्न, निर्धन के पास क्या है? चौथा प्रश्न, भक्त भगवान के सिवाय और क्या चाहता है? और पांचवा प्रश्न, भाव के सिवाय भगवान क्या चाहते हैं? मेरे इन पांचों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, आपको बताना है वो क्या है। गणेश जी, इतने अलग प्रश्नों का उत्तर एक कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो आजकल तो मेरी बुद्धि चितला रही है। क्या आप दोनों में से कोई इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकी है? कुछ नहीं, पर ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं, पाप से भी बुरा कुछ नहीं, निर्धन के पास कुछ नहीं होता, भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, भाव के सिवाय भगवान भी कुछ नहीं चाहते। गजानन, अपने सामान्य ज्ञान से दोनों देवियों ने हम सभी को प्रभावित किया है, तो अब उनके वैदिक ज्ञान की परीक्षा का समय है। मेरी पुत्रियों को सभी वेदों का ज्ञान है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि वो उसमें भी सफल होंगी। अपनी संतान पर विश्वास करना चाहिए, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। किंतु मेरा प्रश्न वेद में लिखित श्लोक के पाठ से नहीं है, बल्कि उसके भावार्थ से है, श्लोकों के पीछे छिपे संदेश से है। क्या आप दोनों तैयार हैं? अपस्व अंतर मृतम अपसु, भेष जम पामुत प्रशस्तिये, जल में अमृतोपम गुण है, जल में औषधि गुण है,
जल किसी को भी अपने भीतर समाहित कर लेता है, किंतु क्या आप बता सकती हैं जल अंततः कहाँ समाहित हो जाता है? वायुमंडल में। तो फिर वायु कहाँ विलीन होती है? वायु अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। और अंतरिक्ष वो किस में विलीन होता है? उस अक्षर तत्व में जिससे ब्रह्मांड का उत्पन्न होता है। एवं वो अक्षर तत्व कहाँ विलीन होता है? परम ब्रह्म में। ये हमारा परम सौभाग्य है कि उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी के अंश श्री गणेश हमसे ये प्रश्न कर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जो ज्ञान और बुद्धि दोनों में सर्वोत्तम है, वो जिसकी परीक्षा लें, उसकी योग्यता तो इस बात से ही सिद्ध हो जाती है। तुम दोनों ने सर्वथा उचित कहा पुत्रियों। पार्वती नंदन गणपति गजानन स्वयं परम ब्रह्म के अंश हैं। इस बात का ज्ञान मुझे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने ही दिया था, जब वो आपके सूर्य के वायु प्रवाह से आपके उदर में उतर गए थे। वहां उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। मैं उन परम ब्रह्म के अंश गणेश जी को सादर प्रणाम करता हूँ। ये दोनों तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे रही हैं। अब मुझे ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसका उत्तर अत्यंत कठिन हो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि माँ मेरा विवाह इन दोनों से ही करवा दें। मेरे प्रभु को जो प्रश्न सोचने में इतना समय लग रहा है, उसका उत्तर देने में तो किसी को जन्मों लग जाएंगे। क्या विवाह के बंधन में बंध कर भी कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है? परम सत्य परम प्रभु की निरंतर खोज ही ब्रह्मचर्य है, इसीलिए विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना संभव है। किंतु परम सत्य की खोज तो वही कर सकते हैं जो स्वतंत्र हो, पर विवाह के पश्चात मनुष्य गृहस्थी से बंध जाता है। किंतु हे माता पार्वती नंदन, विवाह से किसी की स्वतंत्रता कहाँ छिनती है? पर विवाह से परम सत्य और प्रभु को ढूंढने में कोई बाधा भला कैसे आ सकती है? प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर ये तो प्रभु से ही प्रश्न कर रही है, परीक्षा है किसकी? विवाह को आप बंधन क्यों बुला रहे हैं? आप ये क्यों मान रहे हैं कि विवाह से कोई बंध जाता है? विवाह के पश्चात गृहस्थी के दायित्व बंधन ही तो है। विवाहित व्यक्ति पत्नी और संतान की चिंता से घिर जाता है। किंतु किसी की चिंता करना बंधन कैसे हो सकता है? आप किसकी चिंता करते हैं? जो आपके प्रिय हो, वो तो प्रेम दर्शाता है। और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बंधन कैसा? कहो पुत्र गणेश, क्या उचित कह रही हैं? चिंता यदि प्रेम है तो प्रेम भी एक बंधन ही हुआ ना? नहीं प्रभु, स्वार्थ से लिपटा प्रेम बंधन हो सकता है, किंतु जहाँ प्रेम का आभार ही निस्वार्थ प्रेम का भाव है, वो तो बस मुक्ति का आभास करता है। इसीलिए विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का अनुभव कर सकता है। प्रेम अपेक्षाओं को जन्म देता है, अपेक्षा से व्यवहार और फिर स्वार्थ एवं इच्छाओं का उदय होता है। निस्वार्थ भाव से त्याग होता है, वही सच्चे प्रेम की आत्मा है। अभी तक तो प्रभु प्रश्न कर रहे थे, पर अब तो ये परीक्षा से वाद विवाद में बदल चुका है। यदि जो भी आपने कहा सत्य है, तो क्या आप सच्चे निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण दे सकती हैं? विधाता की रची ये पूरी सृष्टि ही इसका उदाहरण है प्रभु। हमारे उत्पत्ति का कारण भी तो निस्वार्थ प्रेमी है, जो गृहस्थ आश्रम में होता है, जहाँ गृहस्थी होते हुए भी कोई बंधन नहीं होता।
अद्भुत ज्ञान है इन दोनों देवियों का। आज पहली बार बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी के समान किसी बुद्धिमान और ज्ञानी को देखा है। आपके तर्क और विचारों ने मुझे प्रसन्न कर दिया। ये विवाद विचारों का वो आदान प्रदान था जिससे आपके आत्मज्ञान का प्रमाण मिलता है। उचित कहा गणेश ने। जो आत्मज्ञान में पारंगत होते हैं वो तर्क वितर्क से पीछे नहीं हटते, फिर भले उनके सामने बुद्धि श्रेष्ठ गणेश ही क्यों ना हो। आप दोनों ने अपने तर्कों से अपने आत्मज्ञान का परिचय दिया है। पुत्र, अब तो तुम संतुष्ट हो? नहीं माँ, अंतिम परीक्षा तो अभी शेष है। पुत्र, इन दोनों ने अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक से हम सभी को प्रभावित किया है, अब इनकी और कितनी परीक्षा लोगे तुम? तुम्हारी माता उचित कहती है पुत्र, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दोनों ने दिए। माता, प्रभु, हमें कोई आपत्ति नहीं। जिनके साथ हम हमारे नवीन जीवन के आरंभ की कामना रखते हैं, वो यदि हमारी और परीक्षा लेना चाहे तो वो अवश्य ले। हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। उचित है। तो फिर ये रहा मेरा अंतिम प्रश्न। ब्रह्म ज्ञान में सभी ज्ञान का समावेश होता है। ब्रह्म ज्ञान में निपुण व्यक्ति सभी स्थितियों का सामना सरलता, शांति और संयम से करता है। इस अंतिम परीक्षा के लिए मैं आप दोनों के सामने एक परिस्थिति उत्पन्न करूंगा, आप जिसकी भाग भी होंगी और जिसे आपको सुलझाना भी होगा। यहाँ जो भी उपस्थित हैं, उनसे बिना मांगे, बिना साधना या तपस्या किए और बिना किसी पूजा या विनती के उनका सब कुछ प्राप्त कर अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रमाणित कीजिए। आशा है ये अन्य ज्ञान के समान ब्रह्म ज्ञान में भी निपुण होगी। ज्ञान होना एक और बात है, किंतु इस प्रकार का कार्य किसी के लिए संभव कहाँ है।